शिव कुमार वर्मा ट्रेडर्स चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चाहे तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। चैनल का 5x5 रूल आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% का नियम लेके आया है हमारा चैनल, और अगर आप पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो कम से कम 5 अलग अलग पेनी स्टॉक में निवेश कीजिएगा। अगर हमारी ट्रेड्स को कॉपी करना है तो 299 का यूट्यूब पर पेड मेंबर बन सकते हैं, जिसमें हम आपको अपनी सारी की सारी ट्रेड्स शेयर करते हैं। चलिए चलकर देखते हैं आज हम क्या लेके आए हैं आपके लिए इन टर्म्स ऑफ स्टॉक एनालिसिस। तो आपके लिए एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का स्टॉक लेके आए हैं जो काफी फिनोमिनल ग्रोथ दिखा रहा है। अगर रेवेन्यू को देखें 57% इंक्रीज हुआ है, बट पैट को देखेंगे तो 518% का इंक्रीमेंट दिखाया है इन्होंने। ये है बिजनेस सेगमेंट में काफी तगड़ी कंपनी, लाइफ साइंस रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। इसका फंडामेंटल एनालिसिस अगर देखा जाए तो मार्केट में एक दिग्गज शेयर है जो आपको कोड़ियों के दाम में मिल रहा है। अभी मार्केट कैप की दृष्टि से देखें तो केवल 7,800 करोड़ की कंपनी है। इसमें अगर वॉल्यूम देखा जाए तो डिविडेंड भी देती है, और वॉल्यूम करीब 43,000 शेयर्स पर डे एक्सचेंज होते हैं, जिसमें से 50% के आसपास डिलीवरी है। तो इन सारे पैरामीटर के बेसिस पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ओनली अप टू मैक्सिमम 2% लिमिट आपको निवेश करनी चाहिए इस स्टॉक में। आइए जरा चलकर देखते हैं अब कंपनी ने रिवेन्यू की दृष्टि से कैसे इजाफा किया है। देखिए यहां पर अगर देखें तो 2018 से 2022 में 342 करोड़ से बढ़कर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहे हैं, जिन्होंने इसमें अभी 1,066 करोड़ का रिवेन्यू दिखाया है। तो बहुत अच्छा फिनोमिनल ग्रोथ है, करीब करीब 5 साल में 3 गुना रिवेन्यू में इंक्रीमेंट आया है। तो इस पैरामीटर पर काफी फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है। अब अगर पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो उसमें तो और भी तकड़ा उछाल दिखाया है। 38 करोड़ यहां से शुरुआत की, 50 करोड़, 52 करोड़, 69 करोड़, फिर 150 करोड़ के आसपास, तो ये 4 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है कंपनी अपने पिछले 4 सालों में, यानी कि हर एक साल में 80% का इंक्रीमेंट दिखा देती है कंपनी अपने पिछले मुकाबले के कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर हम बात करें मार्जिन्स की, 15% का मार्जिन कंपनी कोई छोटी कंपनी मत समझिए, 15% का मार्जिन काफी बड़ी बड़ी कंपनी भी नहीं दे पाती है, तो इसलिए एक्सलेंट मार्जिन कैटेगरी में इसको रखा गया है। प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो सॉलिड 65% प्रमोटर की होल्डिंग है, 5% यहां पर FII ने, 5% के आसपास DII और पब्लिक में 25%। इस पब्लिक की 25% में से अगर बात करें जो 20% है वो महज एक इंडिविजुअल ने अपने पास रखी हुई है इस कंपनी की। यहां पर अगर बात करें ब्रेकडाउन देखा जाए तो नमूरा जो कि बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है 1% की होल्डिंग रखते हैं, फिडेलिटी फंड्स इन्होंने भी 1% की होल्डिंग रखी है, आदित्य बिरला सनलाइफ 2% की होल्डिंग, और जो सबसे बड़ी होल्डिंग है ऑलमोस्ट 20% की आसपास, मिलन आर ठक्कर जी, इनके पास 20% कंपनी होल्ड रखे हुए हैं। ये एक बड़े लेवल का निवेश किया उन्होंने, 1,500 करोड़ रुपए डाले हुए हैं इसमें। यहां पर कॉर्पोरेट बॉडीज के पास 1% की होल्डिंग है इसमें। तो आइए, शायद आपको अभी तक पता लग गया होगा, हम बात कर रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल के एक उभरते हुए सितारे की, जो आपको लखपति बनाना तय है। अगर आप 10,000 रुपए इसमें निवेश करें 5 साल के अंदर आप लखपति बनेंगे। इस स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का पीयर कंपेरिजन देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये आपको बहुत कम रेट पर मिल रहा है। अभी स्टॉक ने एक साल में कोई ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, तो काफी पोटेंशियल इसको ऊपर जाने का। गुजरात फ्लोरो ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिखाया है 108% का। अगर हम देखें कि यहां पर मार्केट कैप की दृष्टि से प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बन रही है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी हमारे रिकमेंडेड स्टॉक की 150 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है, बट और कंपनी में आरती इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा है 1300। आरती इंडस्ट्रीज बड़ी कंपनी भी, इस बात को समझिएगा। प्रॉफिट पर 1000 करोड़ मार्केट कैप में देखा जाए तो हमारे स्टॉक की रिकमेंडेशन का 19 है, यानी कि 1000 करोड़ की मार्केट कैप पर 19 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है। यहां पर सबसे ज्यादा आरती इंडस्ट्रीज का है ये पैरामीटर। रिटर्न ऑन इक्विटी रिलेटिवली कम है अपने पीयर सेक्टर में, सबसे ज्यादा आरती इंडस्ट्रीज का है 22 के आसपास। तो यहां पर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए 0.46, जो कि सेगमेंट सेक्टर में हमारे हिसाब से रीजनेबल लेवल माना जाएगा। हम बात कर रहे हैं अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड की, बहुत अच्छी खबर है, साथ साथ में एक थोड़ी सी दुखद खबर भी है, जिसकी वजह से आज स्टॉक में काफी तकड़ी गिरावट आएगी, और ये गिरावट आपके लिए
एक खरीदने का मौका है। आइए जरा चलकर समझते हैं क्या खबर है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं गिरावट आएगी। सबसे पहले कंपनी की बात करें, अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड, ये वन ऑफ द लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर कंपनी है। देखिए आपके घरों में नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो उन सब में जो स्पेशलिटी केमिकल डलता है वो इन्हीं कंपनी की तरफ से बन के आता है, और साथ साथ में लाइफ साइंस रिलेटेड आपके जो फार्मिंग में केमिकल यूज होते हैं वो भी यहां पर यूज कर प्रोड्यूस करते हैं। इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी बहुत बढ़िया है। कोई भी एक प्रोडक्ट क्लिक हुआ तो आगे पीछे का सारा रिवेन्यू निकाल के बाहर ले आएंगे कंपनी। एक साल में 5% का रिटर्न दिखलाया है इसने। हाई बनाया है 1100 के आसपास, लो बना है 580 के आसपास, तो काफी अच्छा रीजनेबल लेवल है, 780 बीच में चल रहा है। अगर लेटेस्ट खबर की बात की जाए तो एक बहुत दुखदमय समाचार है कि यहां पर इनके 4 कर्मचारी सूरत की यूनिट में क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। यहां पर ये कंफर्म कर दिया गया है पुलिस डिपार्टमेंट ने और स्टेट डिपार्टमेंट ने कि जो कल रात को 10:30 के आसपास वहां पर कुछ विस्फोट सुनाई दिया और उसके बाद ये फायर ब्रेकआउट हुआ उनके यूनिट 6 में से, जिसमें से 20 लोग घायल हुए हैं, सीरियसली इंजर्ड, और करीब करीब 4 वर्करों की मृत्यु हो गई है। और ये कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 10 फायर इंजन को बुलाया था वहां पर। इसका इंपैक्ट क्लियर कट है। देखिए, लाइफ इज प्राइसलेस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इज अ कंसर्न, जिसकी वजह से इनके ऊपर कई ऑडिट बैठेंगे और यहां पर काफी थोड़ा सा अभी यूनियन में भी अगेंस्ट इनके कारोबार हो सकता है। तो सीधा सीधा बात है, स्टॉक पर जब भी कोई इस तरह की नेगेटिव न्यूज आती है तो स्टॉक पर नेगेटिव इंपैक्ट रहता है। अगर हम बात करें तो हमारे हिसाब से इसका स्टॉक का जो आज का लिमिट है वो 20% का लिमिट है, 630 के आसपास। शायद ये 630 तक नहीं जाएगा, बट 680 के आसपास का सपोर्ट है, टेक्निकली हम आपको बताएंगे। 20% की लोअर लिमिट है स्टॉक की आज के लिए। अगर हम बात करें यहां पर 25% का इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया, 39 करोड़ का, और साथ साथ में अगर रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू भी करीब 25% का इंक्रीज हुआ है, 297 करोड़ के आसपास। और यहां पर कंपनी ने स्पेशलिटी केमिकल बनाती है जो कि बोर्ड ने अप्रूवल कर दिया है 800 करोड़ यूनिट का इक्विटी शेयर, जिसमें उनको कॉस्ट नहीं मिलेगी। और ये कहां पर यूज किया जाएगा, शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहां पर एक्सपेंशन करेंगे, रिवेन्यू इंक्रीज होगा जो इनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूव करेगा। ये हमारे हिसाब से एक हनीमून पीरियड चल रहा है जिसका CAGR एक्सपेक्टेड है 30% का स्पेशलिटी केमिकल में आगे आने वाले 6 सालों में। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक रहेगा आपके लिए, आप चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कीजिए। देखिए, हायर वॉल्यूम रहता है, डिविडेंड देते हैं, वो अच्छा मूव रहता है इनका, बट आज जो गिरावट आएगी इसमें आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको खरीद सकते हैं। वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस फॉर लॉन्ग टर्म। एक बुक जरूर रिकमेंड करेंगे, रिच डैड पुअर डैड, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें सीधे एक कहावत है, डू नॉट वर्क टू अर्न मनी, वर्क टू लर्न, तभी आपके सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं जब आपके दिमाग में लर्निंग का ऑब्जेक्टिव रहे। जैसे जैसे नए प्रोडक्ट गेट एडेड, रिवेन्यू इंक्रीज होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंप्रूव होगा और रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ेगा। आइए जरा चलकर इसका टेक्निकल व्यू देखते हैं, आज की क्या हालत हो सकती है इस स्टॉक में आगे चलकर। यहां पर जैसा मैंने बताया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर इन दिस सेगमेंट, और वेरियस केमिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनकी यूटिलाइजेशन आपके लाइफ साइंस एंड अदर स्पेशलिटी केमिकल में होता है। और यहां पर इन्होंने नेशनल सेफ्टी वीक कैंपेन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इन्हीं के यूनिट 6 में एक विस्फोट हुआ जिसकी वजह से कई लोगों को क्षति पहुंची है, तो इसके ऊपर थोड़ा ऑडिट बैठेगा हमारे हिसाब से। अगर आज की लिमिट देखी जाए तो इसमें जो आज की अपर लिमिट है वो है 945, 20% का पसर की, और लोअर लिमिट है 630 का, तो अपर लिमिट तो डेफिनेटली नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बुरी खबर है, और हो सकता है ये 680 के आसपास इसको टच करने की कोशिश करे। क्यों करें 680, देखिए कल का भाव 780 के आसपास था इसका, और यहां पर सबसे पहला 735, हमारे हिसाब से ये खुलते के साथ ही 735 के नीचे कारोबार करेगा। अभी मार्केट खुला नहीं है, मार्केट खुलने में भी 1 घंटा लगेगा, तो ये वीडियो आपके लिए उस टाइम पर बना रहे हैं। ये इसके नीचे जाएगा। अब जो इसमें सपोर्ट रहेगा हमारे हिसाब से 680 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, अगर वहां पर रुक सकता है तो बहुत अच्छी बात मानी जाएगी इस स्टॉक के लिए, वरना थोड़ा सा नेगेटिव व्यू तो है ही। देखिए, इतनी बड़ी बुरी खबर है, यूनिट बंद रहेगी, ऑडिट बैठेगा, और साथ साथ में जो नुकसान हुआ माल का वो अलग बात है, जान का नुकसान हुआ वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें यहां पर इसका एलिगेटर इंडिकेटर, आज तीनों पैरामीटर नेगेटिव हो जाएंगे अनुपम रसायन के, और ये सुपर ट्रेंड का जो सपोर्ट है 724 का, ये भी तोड़ के नीचे गिरेगा। RSI की वैल्यू देखी जाए 61 के आसपास है, तो ये 50 के नीचे पहुंच जाएगी आज RSI।
मैकडी ने यहां पर बाय सिग्नल जनरेट करना शुरू किया था, बट अभी लग रहा है फिर से आज की गिरावट के बाद ये सेल सिग्नल मेंटेन करेगा और उम्मीद लगाई जाएगी बुलिंजर बैंड की बैंडविड्थ जो 5 के आसपास लगी थी अब ये नीचे की तरफ को गिरेगा और बैंडविड्थ भी काफी एक आज बड़ी रेड कैंडल बनने की उम्मीद है यहां पर नीचे की तरफ से 680 तक शायद ये ट्रेड करेगा स्टॉक अभी के लिए। तो अगर आप चाहें तो इस गिरावट में इसको खरीद सकते हैं। जय हिंद।